Hi guys, we are on the sets of Ek Vivah Aisa Bhi and right now we are sitting with the co-star Tasneem Sheikh. Hi. So it's just like a fun rapid fire question. So I just want to know that who is the late Latif of the show? Late Latif of the shoot? Yeah. Himani ji. Okay. And like who's on time? Me. Always. Only me. Yes, always. In fact, before time. Okay. And like सबसे शरारती कौन? शरारती तो एक्चुअली ना सारे बुड्ढे हैं. सॉरी, इट्स नॉट अबाउट बुड्ढे, इट्स अबाउट जब पूरी टीम एक साथ होती है ना, सब शरारत फील कराते. तो हमारे डायरेक्टर जो है जस्सी जी, उन्हें माइक लेके सबको डांटना पड़ता है कि चुप हो जाओ, हम काम करने आए. सो इट्स लाइक नॉट वन, इट्स एवरीबॉडी. ओके. एंड लाइक सबसे शांत एनीवन, लाइक हु इज वे क्वाइट? नो वन. ओके. नो. ऑलराइट. एंड ऐसा कोई लाइक पूरा टाइम सेल्फी लेते रहता है? हाँ, अभिषेक मलिक. Okay. हमारा वीर, मेरा बेटा. एंड सोशल मीडिया जंकी? अभिषेक मलिक, he takes the cake again. Okay. And मतलब ऐसा कौन है जो हर एक टेक के बाद बोलता है कि दादा मिरर लाओ? अभिषेक मलिक. Okay, again. Yes. Okay, he's a continue. Yes. Okay. And like ऐसा मतलब सबसे ज्यादा टांग किसकी खींची जाती है सेट पे? हमारे एक जो है चमन जी. Okay. जो हमारे फैमिली में सर्वेंट प्ले करते हैं, उनके नाम से हमेशा कुछ ना कुछ मस्तियाँ होती रहती है. ओके. हमेशा. राइट. एंड लाइक डायरेक्टर का फेवरेट कौन? शायद मैं. आप डायरेक्टर से जरूर पूछना और आंसर बताना, क्योंकि शायद मुझे गलत फहमी भी हो सकती है, पर मैं हूँ. और लाइक द डायरेक्टर इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट और लीन? नो, द डायरेक्टर इज अ स्वीट हार्ट. ही इज अ स्वीट हार्ट. ओके. सो लाइक हाउ डिड यू बैग दिस रोल? Honestly speaking, I got a call from my friend Nivedita Basu and she asked me to do the show and she knew that I wanted to come back. So she said, Tasneem, this is the best show for you because the story is very nice, the character is very, very strong and I'm sure, you know, when you will do it, you will really raise the bar. So I was like, yes, and she's a very dear friend of mine. I couldn't say no. I didn't want to say her no because, you know, everything for me was falling in place. It was for me, like, you know, everything was on platter. So I just took it set. Yes. Okay. And like, who is a fitness freak on the set? Abhishek Malik and his mother. Okay. Yes, me. Okay, both of them. दिख नहीं रहा? Max Pro सबसे ज़्यादा मैं और अभिषेक ही यूज़ करने वाले हैं. Okay. So आपके हिसाब से एक आइडियल बहू रानी कैसी होनी चाहिए? Honestly speaking, आइडियल बहू रानी वैसे ही होनी चाहिए जो फैमिली के साथ अपनी काम को भी बैलेंस करे. जैसे यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम दैट यू नो एवरीबडी हैज टू वर्क, यू नो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ टू. सो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू नो घर के रीति रिवाज, ये वो, सर पे पल्लू एंड ऑल. नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एट ऑल, यू नो. एंड बस एक जो घर को संभाले, घर को प्यार से, यू नो, फैमिली मेम्बर्स को संभाल के रखे, कभी कुछ ऐसी उसके बिहेवियर से बड़ों का मन दुख ना हो, यू नो. फॉर मी दैट मैटर्स. एंड yes, I would be very happy if I have a successful daughter-in-law because I would like to look up to her. Okay. And an ideal sass for you is? Ideal sass for me would be, you know, something what I said for Bahu also. Ek sass jo maa ban kar rahe, kyunki sass ban ke na rahe, you know. माँ बनकर रहे, बहू जो घर में बहू बनकर आई है उसे अपनी बेटी की तरह समझे, उसे वही यू नो प्यार दे जो अपनी खुद की बेटी को देती हो, यू नो. फॉर मी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज यू नो हस्बैंड वाइफ में तो नोकझोंक चलती ही रहती है, यू नो, पर उसमें अगर माँ का प्यार बहू को घर में ही मिले तो शायद यू नो तकलीफें और मुश्किल हालात ईजी हो जाते हैं. सो एनी मैसेज टू द व्यूअर्स? I would love to tell my viewers, my fans, that you know Ek Vivah Aisa Bhi is a very nice show with a beautiful concept. We all are working very, very hard, you know, to give our best. In fact, we all are giving the best. Our family is really nice. The show is coming up very beautifully. The chemistry of each and every character is so nice, and we are doing this all for you guys to enjoy. So please watch our show and give our love, give your love to us, and make this show number one for Ann TV. Thank you. Thank you so much. Thank you.